स्पोर्ट्स की छोटी बड़ी न्यूज के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर दें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। नमस्कार दोस्तों, भारत और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज का चौथा T20 मैच 18 मार्च को भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे अहमदाबाद के क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं चौथे T20 मैच के लिए इन दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर दोस्तों आप भी भारतीय क्रिकेट टीम के फैन हो और आप भी चाहते हो कि भारतीय टीम इस T20 सीरीज को जीते, तो मेरी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। दोस्तों, बात करें इस T20 सीरीज की, तो पहले मैच में इंग्लैंड की टीम ने भारत को 8 विकेट से हराया। वहीं दूसरे T20 मैच में भारत ने वापसी करते हुए इंग्लैंड को 7 विकेट से हरा दिया था। लेकिन तीसरे T20 मैच में भारतीय टीम को इंग्लैंड ने 8 विकेट से हराकर इस T20 सीरीज में 2-1 से बढ़त बना ली। दोस्तों, भारतीय टीम इस चौथे T20 मैच को हर हालत में जीतना चाहेगी ताकि वो सीरीज में 2-2 की बराबरी कर सके। दोस्तों, बात करें चौथे T20 मैच के लिए, तो भारतीय क्रिकेट टीम में कुछ बदलाव हो सकते हैं। दोस्तों, इस मैच में के राहुल को टीम में बाहर किया जा सकता है। उनके स्थान पर सूर्य कुमार यादव को टीम में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि के राहुल ने पिछले 3 T20 मैचों में बेहद ही खराब प्रदर्शन किया है। इसके अलावा भारतीय क्रिकेट टीम में बदलाव की संभावना बेहद ही कम नजर आ रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 चौथे T20 मैच के लिए। दोस्तों, पहले बात करते हैं इंग्लैंड की प्लेइंग 11 की, तो उनकी तरफ से नंबर 1 पर बल्लेबाजी करने आएंगे जेसन रॉय, नंबर 2 पर होंगे जोस बटलर, नंबर 3 पर होंगे डेविड मिलान, नंबर 4 पर होंगे जॉनी वेस्टरो, नंबर 5 पर होंगे कप्तान इवन मॉर्गन, नंबर 6 पर होंगे बेन स्टोक्स, नंबर 7 पर होंगे सैम कर्न, नंबर 8 पर होंगे क्रिस जॉर्डन, नंबर 9 पर होंगे जोफर आर्चर, नंबर 10 पर होंगे आदिल रशीद और नंबर 11 पर होंगे मार्क वुड। दोस्तों, इस प्रकार की हो सकती है इंग्लैंड की प्लेइंग 11। दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय क्रिकेट टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों, भारत की तरफ से नंबर 1 पर बल्लेबाजी करने आएंगे रोहित शर्मा, नंबर 2 पर होंगे ईशान किशन, नंबर 3 पर होंगे कप्तान विराट कोहली, नंबर 4 पर होंगे ऋषभ पंत, नंबर 5 पर होंगे श्रेयस अय्यर, नंबर 6 पर दोस्तों होंगे सूर्य कुमार यादव, नंबर 7 पर होंगे हार्दिक पांड्या, नंबर 8 पर होंगे बशिंगटन सुंदर, नंबर 9 पर होंगे भुवनेश्वर कुमार, नंबर 10 पर शरदू ठाकुर हो सकते हैं और नंबर 11 हो सकते हैं युजवेंद्र चहल। दोस्तों, इस प्रकार की सकती है भारत की प्लेइंग 11। तो दोस्तों, आपके अनुसार चौथे T20 मैच में भारतीय टीम जीत पाएगी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जोड़ दें। और आपके अनुसार चौथे T20 मैच में किन खिलाड़ियों को टीम में जगह मिल सकती है, ये भी जरूर बताएं। और स्पोर्ट्स की छोटी बड़ी न्यूज के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।